स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल ईयर की डिजीज़ का, ठीक है। और इसमें हम कुछ डिजीज़ देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिकोनराइटिस, ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में हमारे पास ये आता है और इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी पेरिकोंड्रियम की। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। ये आपके पास एनिमेटेड पिक्चर है, इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो पिन्ना है ना वो क्या हुआ है, रेड हुआ हुआ है, ठीक है, रेड हुआ हुआ है, हॉट हुआ हुआ है। इसको आप टच करोगे तो ये हॉट फील होगा, आपको पेनफुल होगा, ठीक है। और इसको हम कहते हैं पेरिकोंड्राइटिस, मींस दैट जो पेरिकोंड्रियम होती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। सो हमारी पेरिकोंड्रियम होगी, उसके नीचे कार्टिलेज होगा। जब हमारी यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सारी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी कार्टिलेज को ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। जब हमारी कार्टिलेज को ब्लड नहीं जाएगा जो कि बाहर से आना था, तो अब क्या होगा, हमारी जो कार्टिलेज होगी उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। ये होता क्यों है, हमने देखा था कि अंदर एक्सटर्नल ईयर के अंदर तीन तरह के, अभी हमने पढ़े कि फ्रंकल हो सकता है, ठीक है, और हमारे पास डिफ्यूज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। हमने देखा था ना कि फ्रंकल की वजह से भी ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा बाहर आ जाए, हमारे पास इन्फ्लेमेशन कर दे, इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है। और डिफ्यूज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से भी ऐसे हो सकता है कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करके पिन्ना पे आ जाए। तो पिन्ना पे आएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, पेरिकोंड्रियम के नीचे जाके इन्फ्लेमेशन कर देगा। तो फ्रंकल की वजह से, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से, जिन लोगों को पहले से ये इन्फेक्शंस होते हैं, या सर्जिकल इंसीजन हमने दी, या पीछे हमने हेमाटोमा देखा था ना जो बना हुआ था कान के ऊपर, उसकी उसके रिजल्ट में भी ऐसे हो सकता है कि पेरिकोंड्राइटिस हो जाए। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, और जो है सुडोमोनास मोस्टली इसके अंदर बैक्टीरिया होता है। लेकिन जब हमें इसके ट्रीटमेंट करना होता है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, ठीक है। हम पेशेंट की कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के फिर हम उसकी पता चलेगा कौन सा बैक्टीरिया है, तो हम उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देते हैं। और इसमें हम जो है अब देखते हैं क्या करना है। सो ये देखें कि आपके पास इन्फेक्शन है, किसकी वजह से हो रहा है, लेसरेशन, सीमाटोमा, सर्जिकल इंसीजंस की वजह से बन रहा है, टाइटल एक्सटर्ना की वजह से, फ्रंकल की वजह से ये बन रहा है। और इसमें आपके पास सुडोमोनास और मिक्स पैथोजेंस होते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि रेड हॉट एंड स्वोलन होता है, रेड हॉट एंड पेनफुल होता है, सॉरी, ठीक है। और इसमें एब्सेस भी बन सकती है, एब्सेस बन जाएगी तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंसीजन एंड ड्रेनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्रोसिस अगर कार्टिलेज करवा सकता है ये, क्योंकि हमारे पास पेरिकोंड्राइटिस हो गया है, पेरिकोंड्रियम से ब्लड सप्लाई नहीं आ रहा, तो हमारी जो कार्टिलेज होगी उसकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और 4% एल्युमिनियम एसीटेट कंप्रेसेस लगाएंगे, ठीक है। ये आपने जो है एक्स्ट्रा इसमें चीज़ है वो हमने देनी होती है, ठीक है। और जब एब्सेस बन गई होती है तो उस केस में हमने जो है कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती है, और इंसीजन दे के एब्सेस को रिमूव करना होता है, ठीक है। और कभी कभार हम क्या करते हैं, वो जो एब्सेस बनी होती है जिसमें पास अक्यूमुलेट होती है, उसमें हम कैथेटर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली हम बाहर से एंटीबायोटिक्स की ड्रिप देते रहते हैं, और वो जो है उससे क्या होता है कि वो कल्चर मतलब करते करते वो उसको ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वैक्स, ठीक है। जो हमारी एयर वैक्स होती है उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आउटर 1/3 पार्ट होता है कार्टिलेजनेस, उसमें हमारी जो है हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसमें हमारे सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो आपको इस तरह नज़र आते हैं, ठीक है। कार्टिलेजनेस मेटस के अंदर आपको क्या नज़र आता है, आपको हेयर्स नज़र आते हैं, ठीक है, ये बाल निकले हुए नज़र आते हैं, और आपको सेबेशियस ग्लैंड्स नज़र आते हैं, स्वेट ग्लैंड्स नज़र आते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करेंगे, आपका स्वेट रिलीज़ करेंगे। सेबेशियस ग्लैंड क्या रिलीज़ करेंगे, आपके जो लिपिड सेक्रीशंस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। एपिडर्मिस के थोड़े बहुत सेल्स आके जमा हो जाते हैं, और ये सारे मिलके क्या बना देते हैं, एक वैक्स वैक्स बना देते हैं, ठीक है। सो वैक्स जो होती है ये जब आपकी यहाँ पे आ जाती है बाहर, तो वो आपकी प्रोटेक्टिव होती है। वैक्स क्या कर रही होती है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, जिससे हमारे पैथोजन जो होते हैं वो किल हो रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्वेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है नेचुरली, उसकी वजह से क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स ओवर एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है कि ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो वो इसके सारे एरिया को तकरीबन ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सुनने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द के लोग जो है वो महसूस कर रहे होते हैं कि ये बंदे को जो है ना ऊंचा सुनाई देता है, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कॉज कर सकती है, ठीक है। सो ये वैसे तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है। सो कुछ लोग इसको कॉटन बेड के साथ साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन अटेम्प्ट टू दिस वो क्या कर सकते हैं कि इसको आगे फर्दर मूव करवा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ गुड प्रोसीजर। और कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कॉटन बेड मारते मारते अपने ईयर ड्रम को भी रप्चर कर सकते हैं। सो
दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अगर ज़्यादा हमारे पास वैक्स एक्यूमुलेट हो जाती है उसकी वजह से क्या क्या पेशेंट को सिम्टम आएंगे, यहाँ पे उसकी वैक्स फंसी हुई है, उसको पेन होगी कान में, ठीक है, उसको ऐसे लगेगा मेरा कान जो है वो फुलनेस हो गई है, उसमें उसको टिनाइटिस हो सकता है, ठीक है, रिंगिंग सेंसेशन आ सकती हैं, उसकी हेयरिंग पावर कम हो सकती है, उसको डिजीनेस हो सकता है, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको कफ रिफ्लेक्स आ सकता है। आपको पता है जो हमारी होता है ना ईयर, यहाँ पे यहाँ पे करके ना उसको ऑरल हमारे पास जो वेगस नर्व होती है ना वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका SCQ है कि वो सप्लाई कर रही होती है। तो जब हम उसको स्टिमुलेट करते हैं ना, मतलब जो वैक्स होती है उसको स्टिमुलेट करती है, इस एरिया को जो नर्व होती है वो हमारे पास जाती है सेंसेशंस लेके हमारे ब्रेन में, जो होता है कौन सा सेंटर, वेगस सेंटर, ठीक है, और फिर वहाँ से मोटर सप्लाई जाती है हमारे फेरिंग्स के अंदर, और जब वो मोटर सप्लाई जाती है तो हमारे फेरिंग्स में कफ रिफ्लेक्स जो होती है, तो इस वजह से जब वैक्स एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो हमारी वेगस नर्व को जब स्टिमुलेट करती है तो इस तरह से कफ रिफ्लेक्स जो होते हैं वो जनरेट करती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमने वैक्स को रिमूव कैसे करना होता है। यहाँ पे जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज़ सिरिंजिंग, ठीक है। हमने पेशेंट को सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपने रिमूवल ऑफ द वैक्स का प्रोसीजर लिखें, पेशेंट को आपने बिठाना है, ठीक है, बिठा के उसके गर्दन के ऊपर ना हमने टॉवल रखना होता है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन टॉवल रखना होता है। फिर हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा किडनी शेप्ड, ये किडनी शेप्ड आपको नज़र आ रहा है ट्रे, ये आपने रखा कान के पास। उसके बाद क्या किया आपने, सिरिंजिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। सिरिंजिंग में आपने क्या किया कि यहाँ से आपने जो है वो सलाइन डालते हैं, ठीक है, और ये इधर से आपका पुश करके आपकी वैक्स को बाहर ले आता है, ठीक है। सो इस तरह से आपने अंदर सिरिंजिंग की ताकि पानी से वो चीज़ बाहर आ जाए, वैक्स बाहर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ कर रहा है कि देखें टॉवल उसको उसने मेरे ख्याल से डाला ही हुआ है, किडनी ट्रे रखी हुई है, और कान को उसने कैसे मूव किया, अपवर्ड और लेटरली मूव किया, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अंदर सलाइन सोल्यूशन डाला है, उससे क्या होगा कि वैक्स बाहर आ जाएगी। कैसे बाहर आएगी, ठीक है, ऐसे बाहर आएगी, ये देखें ये फॉर एग्जाम्पल वैक्स पड़ी हुई है ना पर्पल कलर की, मैंने आपको दिखाई है, तो यहाँ से जब वो अंदर की तरफ पानी डालेगा तो ये इधर से ऐसे करेगा, मतलब थोड़ा सा ऊपर रखे करेगा, ये नहीं है कि इधर इधर रखे करेगा तो वो तो अंदर ज़्यादा चली जाएगी, ऐसे नहीं करना, उसके ऊपर स्पेस क्रिएट करके फिर पीछे से ऐसे पानी डालेगा तो वो पानी ऐसे होके बाहर आएगा और उसको वैक्स को बाहर ले आएगा, ठीक है। सो ये आपके पास टेक्निक है, वही किडनी शेप ट्रे रखी हुई है पेशेंट का, यहाँ पे इस तरह वैक्स रिमूव कर रहे हैं, कान को अपवर्ड जो लैटरली मूव किया, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे वही दिखाया हुआ है, इस सिरिंजिंग हमने की और इस तरह करके हमारा एरो लगा हुआ है और हमारा जो वैक्स है वो बाहर आ जाएगी इस तरह से। सेम यहाँ पे भी आपको सिरिंजिंग का प्रोसीजर दिखाया हुआ है। कभी कभार जो है हमारी वैक्स इतनी ज़्यादा हार्ड होती है तो उस केस में हम पेशेंट की वैक्स को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए हमें उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। तो सॉफ्ट करने के लिए कुछ हमारे वैक्स सॉफ्टनर्स होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल हेयर वी आर यूजिंग द ग्लिस्ट्रीन, ठीक है, ग्लिस्ट्रीन यूज़ करते हैं, और भी हमारे पास होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ऑल्सो शोइंग यू द वैक्स एड, ठीक है, ग्लिस्ट्रीन एयर ड्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के लिए ताकि उसकी वैक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाए और ईजिली बाहर आ सके जब हम उसको निकालने की कोशिश करें। अगर हमारी जो वैक्स होती है वो हमारे पास नहीं रिमूव हो रही सिरिंज करने से, सिरिंजिंग करने से नहीं रिमूव हो रही, तो हम फिर ये इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं जिसमें हम सेरोमैन हुक यूज़ करते हैं, ये इसके साथ हुक लगी होती है, ये यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा हमारे पास होता है जॉबसन्स हॉर्न प्रोब, ठीक है, वो इस तरह से बना होता है, इसके आगे ये टिप इस तरह की होती है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, लेकिन इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए होता है। देखिए किस तरह से रिमूव कर रहा है, वो अंदर लेके गया और वैक्स को इस तरह से बाहर निकाल लिया, ठीक है, इस तरह से रिमूव करते हैं इसके साथ। अगेन दिस इज़ शोइंग यू द इंस्ट्रूमेंटेशन टू रिमूव द वैक्स। ओके, नेक्स्ट इज द सक्शन, ठीक है, सक्शन से भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस, ओके, सक कर लेते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं उसको। सो इस पैराग्राफ में आपको यही बताया हुआ है कि वैक्स किस तरह से बनती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इसे बना रही होती हैं, स्पेशियस स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स वगैरह, ठीक है, और इसके यहाँ पे प्रोटेक्टिव फंक्शन बताया हुआ है कि ये हमारे फॉरेन बॉडीज़ को ट्रैप कर लेता है, और इसकी एसिडिक फेज जो होती है वो बैक्टीरियोस्टेटिक भी होती है, फंजोस्टेटिक भी होती है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि वैसे तो हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्स होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर स्वेटिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो अंदर प्लग बना लेती है, ठीक है, और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास जब वो इम्पैक्ट हो जाती है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको बताया हियरिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, टिनाइटिस, गिडनेस होती है, और कफ रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास रिफ्लेक्स कफ जो होती है वो क्यों होती है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड द SCQ। ओके, उसके बाद वो बता रहे हैं कि हमारे पास जो है स्विमिंग की वजह से वैक्स स्वेल कर जाती है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वैक्स ग्रैनुलोमा बन जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, हम दो तरह से करते हैं, टेक्निक ऑफ सिरिंजिंग करते हैं जिसमें पेशेंट को हम बैठाते हैं, टॉवल रखते हैं उसकी गर्दन के गिर्द, किडनी ट्रे रखते हैं, ठीक है, पेशेंट के हेड को स्लाइटली टिल्ट ओवर करके
हम उसकी सारी वो जो इंस्ट्रूमेंट सरेंजिंग करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो होता है प्रोसीजर, अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थोड़ी रप्चर हो गई, इस चीज़ को हमने लाजमी ध्यान रखना होता है क्योंकि आगे वो हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। अच्छा सरेंजिंग में जो पानी इस्तेमाल करना होता है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से कैलोरिक टेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है। मीन्स दैट जो हमारे पास अगर हम ठंडा या गर्म पानी यूज़ करें ना तो उसकी वजह से निस्टैग्मस हो सकता है पेशेंट को, तो इसकी वजह से वो यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल मैनिपुलेशन में क्या है कि हमारे पास अगर तो सरेंजिंग से काम नहीं बन रहा तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें सेरोमैन हुक मैंने आपको दिखाई और जॉबसन हॉर्न प्रो मैंने दिखाया आपको, वो हम यूज़ कर सकते हैं या स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये उस केस में हम करेंगे जब हमारी सरेंजिंग से काम नहीं चल रहा। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हारी हार्ट बैक्स बहुत ज़्यादा है तो हमने पेशेंट को भेज देना है और कहना है कि कुछ दिन तुम जो है ना ग्लिसरीन यूज़ करो वाटर के अंदर, जो है वो मतलब ये सारा बाइकार्बोनेट ये सब कुछ मिला होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड उसमें होती है, लिक्विड पैराफिन वगैरह होता है, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपने याद करनी है कि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन, वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लिक्विड पैराफिन, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, ठीक है, ये सारे मिल के जो है हमारे पास यूज़ होते हैं, पैरा डाई क्लोर बेंजीन, ठीक है, ये भी हमारे पास यूज़ होते हैं सॉफ्ट करने के लिए वैक्स को। तो ये आपके पास प्रोसीजर यहाँ पे अगेन दिखाया हुआ है ऑफ द इरीगेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमने इरीगेशन से उसको रिमूव किया, मैंने आपको दिखा दिया। और ये हमारे पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे सक कर रहा है वो, और ये वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल ऑफ द वैक्स। नेक्स्ट हम करते हैं फॉरन बॉडीज़ इन द ईयर। अब जो फॉरन बॉडीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो वो लिविंग हो सकती हैं या वो नॉन लिविंग हो सकती हैं। जैसे आपको यहाँ पे कान के अंदर दिखा रहा है कोई इंसेक्ट चला गया कान के अंदर, उसको रिमूवल करने का क्या तरीका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो इंसेक्ट अगर कोई चीज़ लिविंग चीज़ अंदर चली गई है ना तो हमारा पहला एम ये होना चाहिए कि हमें उसको मारना है, ठीक है। सो पहले उसको मारेंगे, क्लोरोफॉर्म देंगे हम अपने इंसेक्ट को किल करेंगे, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से वो मर जाएगा, फिर हमने उसके साथ क्या करना है, ये क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स होती हैं, ठीक है, इसका मुँह आगे से ऐसे क्रोकोडाइल की तरह का होता है तो इसको कहते हैं क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स। इनके थ्रू हम क्या करते हैं फॉरन बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं, वो जो इंसेक्ट होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। दूसरे हमारे जो फॉरन बॉडीज़ होते हैं वो लिविंग नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, जिसमें ये सारे हो सकते हैं, वुड इरेजर, कॉटन बड्स, बच्चे अक्सर अपने कानों में इरेजर वगैरह ये चीज़ें घुसा लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास होता है, उस केस में हमने कैसे रिमूव करना होता है, जैसे ये भी फॉरन बॉडी आपको नज़र आ रही है कान के अंदर पड़ी हुई, ठीक है, तो उस केस में हमने कैसे रिमूव करना होता है कि हमने ये देखें, हार्ड फॉरन बॉडी अगर होगी तो आपने इसके साथ रिमूव करना है इंस्ट्रूमेंट के साथ, ठीक है, सेरोमैन हुक के साथ फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो। अगर सॉफ्ट है तो फिर आप ये क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से भी रिमूव कर सकते हो। अगर आप क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स ऊपर हार्ड वाले में मारना शुरू कर दो तो क्या होगा, वो आगे जा सकता है ना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता है। इस वजह से आपने यहाँ पे इस तरह की चीज़ यूज़ करनी है कि वो आगे ना चले जाए, ठीक है। तो हार्ड फॉरन बॉडी के लिए अलग प्रोसीजर होता है, सॉफ्ट के लिए अलग होता है। ये आपके पास एक और फॉरन बॉडी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखें कि आपके पास ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए। ये आपके पास सेरोमैन हुक है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वो क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स है जिससे आप रिमूव कर रहे हो। हार्ड फॉरन बॉडी है तो आपने हुक यूज़ किया है, सॉफ्ट है पीस ऑफ पेपर हो सकता है, उसको आपने इसके क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से रिमूव कर लिया। सो फॉरन बॉडीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, नॉन लिविंग हो सकती हैं और लिविंग हो सकती हैं, जो मैंने आपको बता दी। रिमूवल के तरीके क्या है कि हम क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से कर सकते हैं, सरेंजिंग से कर सकते हैं, सक्शन या स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से या पोस्ट ऑर्डर अप्रोच से। अब हमारे पास जो नॉन लिविंग ये सारे होते हैं हम क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से रिमूव कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सॉफ्ट इरेगुलर जो हमारे पास होंगे उनको हम क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से रिमूव करेंगे, और जो हार्ड होंगे उनको हम किसी और इंस्ट्रूमेंट से, जो है जैसे हमने उसको स्टील बॉल है तो उसको हमने किसके साथ, वो कोई फॉर्सेप्स के साथ या उसके थ्रू किया, ठीक है, मतलब सॉरी इसके साथ क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स के थ्रू नहीं किया, हमने उसको किसके साथ किया, सेरोमैन हुक के साथ किया, ठीक है। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही तो फिर हमने एनेस्थीसिया के अंदर एनेस्थीसिया दे के पेशेंट को जो है फिर रिमूव करना होता है। जो लिविंग आ जाते हैं उनके केस में हमने क्लोरोफॉर्म देना होता है पेशेंट को, अंदर डाल के पेशेंट को का इंसेक्ट पहले मारना होता है, फिर उसके बाद हमने जो है उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, ठीक है, फिर मतलब उसको जो है वो बाहर निकालना होता है, फॉर्सेप्स के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं उसको। हमने ध्यान रखना होता है कि कहीं पेशेंट की टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ना रप्चर हो जाए, ठीक है। सो आपने इनके रिमूवल के तरीके याद रखे। इन्होंने क्या पूछा हुआ है, टाइप्स ऑफ फॉरन बॉडीज़ बता दें, आप मैगट्स को कैसे निकालोगे, मैगट्स कीड़े होते हैं, उनको कैसे मारोगे पहले क्लोरोफॉर्म से फिर निकालोगे, ठीक है, फॉर्सेप्स के थ्रू। फिर हार्ड बैग्स को कैसे रिमूव करोगे, पहले उसको सॉफ्ट करोगे, वो सारे आपने सॉफ्ट वाली एजेंट लिखने हैं, उसके बाद उसको रिमूव करोगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन से कर सकते हो या सरेंजिंग से कर सकते हो।
उसके बाद जी आप बता, वो पूछ रहे हैं कि वैक्स के ऊपर नोट लिखें, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं इसके ऊपर। ये वो वाला क्वेश्चन है कि पेशेंट को कफ क्यों हुई, ठीक है। उसके बाद आप रिमूव कैसे करोगे वैक्स को, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है ना ये ईयर सिरिंजिंग के, मैं आपको बाद में बताऊँगी। छोटा सा टॉपिक रह गया, यह आपने करना है ट्रॉमेटिक रप्चर, कि किस तरह से हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो सकती है। आपको पता है ट्रॉमा ड्यू द हेयर पिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम मार रहे हैं अगर अपने कान में, तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। सडन चेंजेस इन द एयर प्रेशर की वजह से हो सकती है, ठीक है, प्रेशर बाय द फ्लूइड कॉलम, ठीक है, अगर फ्लूइड अंदर ज़्यादा चले जाए तो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता। अब ये स्लैब का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, स्लैब की वजह से बहुत ज़ोर से कोई मारे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स में, आपने सुना होगा टीचर ने इतनी ज़ोर से मारा कि बच्चे का कान का पर्दा ही फट गया, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन की वजह से हो सकता है। और ये बता रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कि कभी कभार हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो इतनी वो परफोरेट हो जाती है अंदर की तरफ, मिडल ईयर की तरफ चली जाती है अंदर की तरफ, ठीक है, सो उसे हमें रीपोजिशन करना पड़ता है। और कभी कभार साथ में पेशेंट को फेशियल पैरालिसिस भी हो जाता है अगर वो रप्चर हो जाए तो। और इसके अलावा जो स्टेपीज होती है वो सब लग्जेट कर देती है। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ भी पेशेंट आ सकता है, वर्टिगो निस्टैग्मस के साथ भी आ सकता है, जो इसको ट्रीट करना था इसको। और ये हमारे पास एक कंडीशन होती है मेनिनजाइटिस बुल्लोज़ा, इसमें आपने याद रखना है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। इसमें भी हमारे पास जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना उसमें हेमरेजिक ब्लब्स बन जाते हैं, ठीक है, और ये पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे हमने हेमरेजिक ब्लब्स पढ़े थे कहाँ पर, पीछे हमने देखे थे ना, एक टाइटस एक्सटर्ना हेमरेजिका में, वहाँ पे भी ब्लब्स बने हुए थे, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लुएंजा कॉज करा था, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है, याद रखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।